हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम क्लास 5th मैथमेटिक्स प्राची पब्लिकेशन का जो चैप्टर 21 है वो पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ये लास्ट चैप्टर था हमारी बुक का, और अभी हमारे पास यूट्यूब पर डिमांड आ रही है कि मैम आप रिवीजन टेस्ट पेपर अब अपलोड कीजिए। तो मैं आपको चैप्टर 1 से रिवीजन टेस्ट पेपर अपलोड करना शुरू कर रही हूँ। यहाँ पर मैं आपको फर्स्ट रिवीजन टेस्ट पेपर आज अपलोड कर रही हूँ, जहाँ पर आपको चैप्टर 1 का रिवीजन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये एमसीक्यूज़ है, आप इसे सॉल्व करते जाइए। आप चाहें तो स्क्रीन को पॉज करके आप उसे कॉपी में लिखकर सॉल्व कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन हमारा मैच द कॉलम है, आपको ये कॉलम्स मैच करने हैं। थर्ड क्वेश्चन है राइट द न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ नंबर का जो नेम है वो गिवन है, आपको नंबर को डिजिट्स में लिखना है, फिगर्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स, आपको जो नंबर्स गिवन है इनमें आपको 5 की प्लेस वैल्यू लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट द नंबर नेम ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। चैप्टर 1 में अगर आपको याद हो तो हमने इंडियन सिस्टम भी पढ़ा था और इंटरनेशनल सिस्टम भी हमने पढ़ा था। तो अगर आप भूल गए हैं ये सारी चीज़ें, तो आप एक बार मैंने जो वीडियो अपलोड किया था चैप्टर 1 का, उस वीडियो को फिर से देखिए और उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ़ द डिजिट्स 4 and 7 इन द गिवन नंबर इंटरचेंज देयर प्लेस राइट द नंबर नेम ऑफ द न्यू नंबर सो फॉर्म्ड। यहाँ पर हमें ये कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि अगर 4 और 7 के प्लेस को इंटरचेंज कर दें। इंटरचेंज मीन्स अगर हम 7 के प्लेस पे 4 लिख दें और 4 के प्लेस पे 7 लिख दें, तो यहाँ पर जो नंबर है उसका नंबर नेम किस तरह से लिखा जाएगा। इस वीडियो के एंड में मैं आपको इसका वर्कशीट भी अपलोड करूँगी, तो आप वीडियो को पहले यहाँ पर पॉज करके ये टेस्ट कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप आगे इसका आंसर भी देखिए। यहाँ पर चैप्टर 1 के कुछ फिल इन द ब्लैंक्स मैं आपको शो कर रही हूँ, आप इनके आंसर भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने छोटे छोटे 4 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिए हैं, आप इनका आंसर भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। तो ये दोनों एक्सरसाइज 1 और मेंटल मैथ्स दोनों के अब मैं आपको आंसर शो करूँगी, आप वीडियो को पॉज करके यहाँ तक का टेस्ट कंप्लीट कर लीजिए। ओके, लेट्स सी, ये है आपका मिसेलवेस एक्सरसाइज का आंसर शीट। क्वेश्चन नंबर 1 में एमसीक्यूज़ के ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 2 मैच द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 3, 4 and 5। इस तरह से आपको ये आंसर्स चेक करने हैं। आपने जो अपने कॉपी में आंसर लिखे हैं आप उन्हें चेक कर लीजिए, आपको हर क्वेश्चन पे 5 मार्क लेने हैं। इस तरह से 25 मार्क की आपकी ये मिसेलवेस एक्सरसाइज है। आप यहाँ पे जितने क्वेश्चन राइट है उनके अकॉर्डिंग आप नंबर ले लीजिए। और ये आपका एक्सरसाइज 1 जो मैंने आपको दिया था फिल इन द ब्लैंक और क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चंस, ये आपका एक्सरसाइज 1 का आंसर है। आप यहाँ से अपने आंसर्स चेक कर लीजिए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन 7 मार्क का है और आपका जो सेकंड क्वेश्चन है ये 6 मार्क का है। इस तरह से टोटल 13 मार्क का ये टेस्ट है। आप इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में जितने राइट हैं एक क्वेश्चन पे एक नंबर दीजिए, और क्वेश्चन नंबर 2 में 1 क्वेश्चन के 2 मार्क हैं, 3 क्वेश्चन के 6 मार्क हैं, आपको जितना राइट है आप उतने नंबर दीजिए और आप चेक कीजिए कि आपके 13 आउट ऑफ कितने नंबर्स आ रहे हैं। इस तरह से आज आपको एक्सरसाइज 1 सॉल्व करनी है और उसके आंसर्स चेक करने हैं। यहाँ पर आपके चैप्टर 1 का रिवीजन कंप्लीट होता है। अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो आप भूल गए हैं तो आप वीडियोस फिर से देख लीजिए और ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर लीजिए। कल मैं आपके लिए लेकर आऊँगी टेस्ट ऑफ चैप्टर 2। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।